तो हमने बोला नहीं, हमने तो काम की बात बोली है। नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से जनता के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? उनको मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो वो तो निजी हमले बोल रहे हैं। क्या कितना गाली दे रहे हैं ये तो पूरी बिहार की जनता, देश की जनता सुन रही है। और जब गाली दे रहे हैं उसको भी हम बोलते भाई उनका आशीर्वाद के रूप में हम ले रहे हैं। कि नीतीश जी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, असल मुद्दे हमने कल भी दोहराया था, कमाई पढ़ाई सिंचाई ये जो है असल मुद्दे हैं। पढ़ाई कमाई सिंचाई ये जो है असल मुद्दे हैं, और दवाई पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई इस पे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते, गरीबी पे नहीं बोलते, भूखमरी पे नहीं बोलते। भाई 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 बबलू थोड़ा सा ऑडियो 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 ऑडियो। हां वो आरक्षण बोला है, चलो देखो क्या बोला है। क्यों आखिर पोस्टर्स बैनर में सिर्फ उनका ही चेहरा रख रहा है, मतलब लालू यादव के फोटो ना होने पर बोल रहे थे? अब देखिए हम तो इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, हम तो नहीं जा रहे हैं किसी को टिप्पा टिप्पणी करने, हम तो काम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सुनहरे बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कौन ये लोग, देखिए मुद्दे पे एकदम नहीं बहस करना चाहते हैं। नड्डा जी को इतना बताना चाहिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला पाए, आयुष्मान भारत में बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों की जब बात थी तो इन लोगों ने मुंह क्यों फेरने का काम किया। नड्डा जी को बताना चाहिए, बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, तबाही हुआ, आप एक बार तक झांकने तक नहीं आए बिहार, अब चुनाव है तो वोट मांगने घूम रहे हैं। आपको कम से कम सेंट्रल की जो टीम भिजवा देते, खुद नहीं झांकना था तो। बाढ़ में लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित हुई है, अब तक जो है कोई घूमने वाला सेंट्रल की टीम तक घूम के आकलन तक नहीं की है कि क्या होगा। लेकिन नड्डा जी तो मिसलीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज से अधिक हमने दे दिया है, यहाँ कमी नहीं की हमने। नड्डा जी समय स्थल चुन लें, हमसे खुली चुनौती है, हमसे बहस कर लें बिहार के विकास के मामले में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या वो अपना ही कोई विषय चुन करके हमको बता दे, हम स्वीकार। नीतीश जी कह रहे हैं आप रोजगार की बात करते हैं, आप बिहार के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जी हर सभा में कहते चल रहे हैं कि जितना आप उनके खिलाफ बोलिएगा उतना उनका प्रचार हो रहा है, जबकि दुष्प्रचार वो खुद कर रहे हैं आपका। खिलाफ तो हमने बोला नहीं, हमने तो काम की बात बोली है। नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से जनता के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? उनको मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो वो तो निजी हमले बोल रहे हैं। क्या कितना गाली दे रहे हैं ये तो पूरी बिहार की जनता, देश की जनता सुन रही है। और जब गाली दे रहे हैं उसको भी हम बोलते भाई उनका आशीर्वाद के रूप में हम ले रहे हैं। उनके भाषण में एक शब्द वो बार बार बोल रहे हैं, अगर मेरी सरकार आई तो ये करेंगे, अगर आई तो ये करेंगे, अगर के पीछे क्या राज है? आप एक बात समझिए, पहली बात तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी एक जो उनके वैचारिक प्रतिबद्धता है वो पूरा देश जानता है, वो बताने की अवसरवादी और वैचारिक प्रतिबद्धता पूरा देश नीतीश कुमार जी को जानता है। एक सवाल की आप हर अपने चुनावी सभा में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, वो थक चुके हैं तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, कोई सुझाव सलाह देंगे? नहीं नहीं हम सलाह क्यों देंगे, उनके काम को देख करके हम नहीं बोल रहे बल्कि जनता बोल रही है। अगर बोलते हैं बिहार में कारखाने नहीं लग सकते, समुंदर नहीं है, नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि समुंदर नहीं है, हमने प्रयास किया, उन्होंने तो खुद अपने आप को बोला है ना, उन्होंने तो खुद हाथ खड़े किए हैं, लेकिन समुंदर तो पंजाब और हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन बिहार के लोग वहाँ के कारखानों में जाके काम करते हैं। तब ये सारी बातें तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, हाथ खड़े कर लिए कि वो थक चुके हैं। एक आखिरी सवाल, आपने राघोपुर की सभा में कहा कि यहाँ के वोटर जो है वो विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनेंगे, आप पिछले दफ़ा भी अभी भी वहीं से विधायक हैं, अगर राघोपुर की बात की जाए तो कितना विकास हुआ क्या लगता है आपको?
देखिए आपको जो दिखेगा राघोपुर में वो हमारी जब सरकार थी तभी उसमें विकास हुआ। 6 लेन जो ब्रिज बन रहा है 5,000 करोड़ का बन रहा है, वो हमारी सरकार में हम लोगों ने शिलान्यास करवाया था। बल्कि दियर का तो उतरने का डिज़ाइन में था ही नहीं, पहले उसको हम लोगों ने जुड़वाया। इंजीनियरिंग कॉलेज उसी बगल में महुआ में वैशाली में हमने मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, और यही नहीं लगभग 900 करोड़ रुपए का रोड जब PW डिपार्टमेंट के मंत्री हम रहे तो वो दिया गया। तो काम तो देखिए बहुत कुछ हुआ है। तो इसमें लिए अब बताइए कोई विधायक 900 करोड़ रुपए का रोड तो नहीं दिला सकता, 5,000 करोड़ का पुल तो नहीं दिला सकता कोई विधायक। तो हम लोग जो 18 महीने रहे जो हो सका वो हम लोगों ने किया, लेकिन विकास जो है ये तो चलते रहना चाहिए, कमी बेशी जो होगा उसको पूरा किया जाएगा। इंदिरा गांधी क्या कुर्सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग नमन करते हैं, इंदिरा गांधी जी को हम लोग नमन करते हैं और हमारी श्रद्धांजलि। चिराग पासवान का जन्मदिन है। अच्छा नहीं, जन्मदिन है तो शुभकामनाएं हैं। और हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो दौर है उनके लिए बहुत एक कठिन दौर है। आज जब ज़रूरत उनके पिता की थी तो आज उनके साथ पिता खड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मजबूत रहे, हमारी उनको और उनके परिजनों को पूरी शुभकामना। अच्छा 10 नवंबर कितना टफ डे आपके लिए होगा? किस बात के लिए? उस दिन काउंटिंग है। नहीं टफ हमारे लिए, देखिए जनता ने मैंडेट दे दिया है, ये स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। हम तो पहला चरण के मतदाताओं को नमन करते हैं कि जिस हिसाब से उन लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, गरीब मजदूर किसान के मुद्दों पर, नौजवान के मुद्दों पर जो वोटिंग किया है, ये तय हो चुका है कि बिहार से NDA हार रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।